वेलकम टू जिब्रान खान की न्यूज। तो आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, यहाँ मायरा ने साफ इनकार कर दिया है कि इनको एक पैसा नहीं देना है। यहाँ पे सलमान की वालदा जब घर में जाके बताएंगी कि वहाँ मायरा ने साफ इनकार कर दिया है कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मुझे अब काफी शर्म आएगी कि मैं अब उनसे जाके पैसे मांगू। यहाँ सलमान के वाले साहब बोलेंगे कि जल्द से जल्द सलमान की और अरसलान की शादी करवा दो, क्योंकि जितना उनके पास पैसा है उतना के सारा हम ले लें। सलमान के पास यहाँ पे काफी जबरदस्त प्लान होता है और ये वाले साहब को बताते हैं कि आप मुझ पे छोड़ दे, पैसा मिल जाएगा वहां से और हम शादी भी नहीं करेंगे, शादी को और डिले कर देंगे। सलमान ने यहाँ अपने दोस्त के साथ मिलके काफी जबरदस्त प्लानिंग की है। अरसलान जब वापसी घर आ रहे होंगे तो यहाँ पे मोटरसाइकिल पे दो बंदे आएंगे और यहाँ पे गोली मारेंगे अरसलान को, और ये सब कुछ देख रहे होंगे सलमान खुद वहां पे खड़े होके, और यहाँ पे खुद लाइनअप कर रहे होंगे जिन्होंने गोली मारी होती है अरसलान को। जब पता चलेगा घर के अंदर कि अरसलान को गोली मार दी गई है तो सारे घर वाले काफी घबरा जाएंगे। सलमान के वाले साहब फिर कॉल करेंगे मायरा के घर पे कि सलमान को गोली लग गई है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। अरसलान को फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और फिर उसके बाद घर वाले जो है सारे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ मायरा जो है घर में अकेली रहती है। इतने में फिर अतीर आ जाते हैं, अतीर यहाँ पे गेट बजाते हैं, मायरा घर से बाहर निकलती है तो यहाँ अतीर काफी हैरान होते हैं कि तुमने गेट खोला है, मैं काफी हैरान हूँ, वालदा से मिलने आया हूँ और तुम्हारी नानी से मिलने आया हूँ ताकि अपने रिश्ते की सही से बात कर सकूँ। यहाँ मायरा फिर अतीर को बताएगी कि अरसलान भाई को गोली लग गई है, इसी वजह से सारे घर वाले हॉस्पिटल गए हुए हैं, तो यहाँ घर में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर अतीर जो है चले जाते हैं वापसी, लेकिन यहाँ अब क्या डिमांड करेंगे सलमान के घर वाले। यहाँ सलमान के वाले साहब इनसे डिमांड करेंगे कि बच्चे के इलाज के लिए, और यहाँ पे काफी परेशानी में है और उसके पास जो कर्ज चढ़ा हुआ है वो सारा हमें उतारना है, यहाँ शादी हम थोड़ा डिले कर देते हैं, यहाँ हमारी जितनी भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी अगर आप लोग पैसे हमें दे दे तो। अरसलान की इतनी तबीयत खराब है और इतनी परेशानी है तो यहाँ पे अब घर वाले यही फैसला करेंगे कि हमें पैसे दे देना चाहिए, हमें पैसे को रोकना नहीं चाहिए, कहीं बात बिगड़ ना जाए। यहाँ पे अब नानी जो है अब पैसे इनको दे देंगी। ऐसी और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।